हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। मैंने आज लिए हैं पंजाब की बिस्किट, पंजाब की मिट्टी के बिस्किट्स विद थिक है, जो वाइट पेस्ट है, ठीक है, पतले वाला नहीं है, मैंने थिक बनाया है। तो मैं इसके साथ क्रंच कर रही हूँ। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मैं एक छोटी सी वीडियो ही बनाऊंगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रही। तो मैं जल्दी से क्रंच करती हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं क्रंच। Awesome dish.
तो गाइस मैंने अपना फूड फिनिश कर लिया है एज यूजुअल, मेरी प्लेट फिनिश हो गई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और टेस्ट की बात कहें तो टेस्ट पंजाब की मिट्टी का तो अच्छा ही होता है, ठीक है। तो मैंने वाइट पेस्ट के साथ इसलिए लिया था, पहले भी क्रंच कर रखा है मैंने, मैंने वाइट पेस्ट के साथ इसलिए लिया था क्योंकि ये पंजाब की मिट्टी जो है ना, अगर इसको हम वॉश करके खाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने वॉश नहीं किया, मैंने इसको थिक पेस्ट के साथ किया है, इसलिए किया है क्योंकि ये ना जैसे ही हम खाते हैं ना तो ये ड्राई हो जाती है अंदर, मतलब ड्राई होती है, ड्राई हो जाता है अंदर से, माउथ जो होता है ना वो ड्राई हो जाता है, फिर ना ये गले में अड़ जाती है, डर लगता है। तो इसलिए इसको मैंने वाइट पेस्ट के लिया और लास्ट में भी ड्राई हो गया था जब मैंने 3-3 वाइट क्रंच किया, 3 एक साथ लिए थे और 1 बाइट में किया है, तो तब मेरा मतलब माउथ फुल हो गया था और उससे मेरा फेस के अंदर मतलब माउथ जो था वो ड्राई हो गया था बहुत ज़्यादा, जैसे पाउडरी हो जाता ना उस टाइप से। तो मैंने वीडियो फिर स्किप करनी पड़ी मुझे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।